नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी एस में स्वागत है घटना चक्र पुरावलोकन का अंतिम वीडियो है ये और आज घटना चक्र पुरावोकन की पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी इकोनॉमिक्स ही सेक्शन बाकी था जिसका हमने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया था इकोनॉमिक्स से आज 150 के करीब में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम इकोनॉमिक्स से ढाई क्वेश्चन है इसमें और कम्प्लीट हो जाएगा आज ओके तो आज एक नंबर से शुरू करेंगे और बी प्रीवियस ईयर किस नाम से इसका प्लेलिस्ट मिलेगा आपको बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाम से एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें आपको बिहार के जितने पूर्वावलोकन के आज तक हमने सारे वीडियो किए हैं वो आपको मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स का फिर मैं मास्टर वीडियो बना दूंगा इसके अलावा बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल करेंट का एक मैंने अलग पे प्ले बना दिया है और नेशनल और इंटरनेशनल करंट का एक और अलग से पीडी प्ले लिस्ट बना दिया है तो उसको भी जाकर ज़रूर आप लोग देखना और क्विक रिविजन सीरीज में भी हम लोग हिस्ट्री शुरू किए हैं हम लोगों ने दो वीडियो ही आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो दो वीडियो दो वीडियो से मिनिमम दो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में एग्जाम देके आओगे वीडियो देखना फिर मुझे बताना कि आए कि नहीं आए एग्जाम ओके एक सौ एक नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष दो हज़ार में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना परसेंट था तो ये तो हमें याद रखना ही नहीं है हमें दो हजार का रखना है दो हज़ार में विकासात्मक व्यय का अनुमान सड़सठ दशमलव तीन सात परसेंट है और तथा शेष बत्तीस दशमलव छः तीन परसेंट गैर विकासात्मक व्यय है देखो व्यय जो करती है ना कोई भी राज्य सरकार तो दो तरीके से व्यय करती है यहाँ मैं पूरा ही पढ़ देता हूँ एक विकासात्मक होता है एक नॉन विकासात्मक मतलब नॉन डेवलपमेंट वाले फंड मिल जाता है प्रश्नकाल बिहार राज्य का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का लगभग साठ प्रतिशत था जबकि बिहार आर्थिक समीक्षा इक्कीस बाईस के अनुसार बीस इक्कीस में यह सड़सठ परसेंट और इक्कीस बाईस बजट अनुमान में सिक्सटी नाइन पॉइंट एट परसेंट था और बजट दो हज़ार बाईस तेईस में विकासात्मक व्यय सड़सठ दशमलव तीन सात परसेंट था इस तरह के क्वेश्चन जब पूछता है ना तो बच्चों को वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में सितारे दिखने लग जाते हैं तारे ऊपर तो इसको ज़रूर याद रख लेना है ना अगला है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है तो एक लाख एक 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 सौ इक्कीस करोड़ है एक सौ इक्कीस करोड़ आठ लाख चौवन हज़ार नौ सौ सतहत्तर है नई वाली जनसंख्या आने वाली इसलिए पुराने वाले का डेटा जरूर याद रखना है एक सौ तीन नंबर है कि जनगणना दो हज़ार एक के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व तो प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है तो हमें वो याद रखना ही नहीं है हमें किसका याद रखना है हमें दो हज़ार ग्यारह का याद रखना है दो हजार ग्यारह के अनुसार तीन सौ बिरासी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है एक किलोमीटर लंबा एक किलोमीटर चौरा क्षेत्र में भारत में तीन सौ बिरासी लोग रहते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना दो हज़ार के अनुसार निम्न राज्यों से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक अपने बिहार में है केरल में 860 लोग एक किलोमीटर एरिया में रहते हैं हरियाणा में पाँच बिहार में ग्यारह रहते हैं देश में सबसे ज़्यादा बिहार में लोग रहते हैं एक किलोमीटर चौराह एक किलोमीटर लंबा के क्षेत्र मतलब जनघनत्व की बात है उत्तर प्रदेश आठ बिहार की जनगणना के अनुसार दो हज़ार एक की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है कौन सा तो दो हजार एक में भी तीसरा था और दो हजार ग्यारह में भी तीसरा ही रहा पहला यूपी दूसरा महाराष्ट्र तीसरा बिहार चौथा पश्चिम बंगाल 106 नंबर है दो हज़ार की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है तो सब जगह हमें दो का पर लेना है डेटा हमारा दो का जो जनगणना है वो रिवीजन हो जाएगा इस सीरीज से इसको ज़रूर याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा बिहार में कुल आठ दशमलव जीरो सात परसेंट लोग निवास करते हैं पूरे भारत का ओके अगला है कि दोहर एक की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है हमें याद रखना ही नहीं है पता ही है सबको बिहार की जनसंख्या कितनी है जितनी ही भी है आपको कमेंट करके बताना है अगला है निम्न से किस राज्य में अनुसूचित जा, जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश एस की बात कर रहा है इस ऑप्शन में से देखना बिहार यूपी पश्चिम बंगाल पंजाब बिहार में है सोलह करोड़ छप्पन लाख तिहत्तर सॉरी एक करोड़ पैंसठ लाख सड़सठ हजार तीन सौ पच्चीस उत्तर प्रदेश में चार करोड़ तेरह लाख संतावन हज़ार छः सौ आठ है पश्चिम बंगाल में दो करोड़ के आसपास है पंजाब में आठ अठासी लाख के करीब है पंजाब में ओके शिशु मृत्यु दर क्या है तो शिशु मृत्यु दर आप सबको पता होगा ये हर साल के आ, फैमिली हेल्थ सर्वे में भी आता है और कुपोषण का जो भारत सरकार रिपोर्ट निकालती है उसमें भी इसको ज्ञात किया जाता है और एच में भी देखा जाता है कितने जीवित बच्चे वगैरह हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी हर एक हज़ार जीवित जन्म में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या मतलब एक वर्ष पूरा करने से पहले जो बच्चे मर जाते हैं उनकी बात कर रहा है हर एक हज़ार जीवित में से कोई बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ उसको हम नहीं गिनेंगे जीवित जन्म की बात कर रहे हैं ओके इसको ध्यान रखना क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है यहाँ पर दो ही बार दिया हुआ है और भी बार रिपीट किया हुआ है इसको ओके अगले क्वेश्चन में चलते हैं सब लोग भारत में उन्नीस से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि कितनी है हमारे काम की नहीं है 2001 से 2011 में साक्षरता दर में आठ दशमलव एक पाँच परसेंट की वृद्धि हुई है आठ दशमलव एक पाँच परसेंट की वृद्धि हुई है नया पॉपुलेशन का रिपोर्ट जब तक आ रहा है तब तो तक इसको रट के रखना पहले चौंसठ था अब तिहत्तर हो गया है बिहार का कितना है पुरुषों की जनसंख्या इकहत्तर परसेंट के आबाद में शिक्षित है महिलाओं का 20 परसेंट कम है हम अपने यहाँ लड़कियों को नहीं पढ़ने देते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं खैर छोड़ो आ जाते हैं कभी कभी कटा कटाक्ष भी होना चाहिए जनगणना दो हज़ार के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है इसका आंसर क्या हो जाएगा ई वर्ष दो हजार के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर अस्सी दशमलव नौ प्रतिशत महिला साक्षरता दर चौंसठ दशमलव छः परसेंट है हालांकि वर्ष दो हजार के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर पैंसठ दशमलव चार छः प्रतिशत थी फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका सही उत्तर सी ही माना था ओके आगे बढ़ते हैं अब तो बिहार की हालत काफ़ी अच्छी हुई है एजुकेशन में अब नीतीश कुमार ने एक अच्छी पहल जरूर की थी साइकिल दे के महिलाओं को है ना तो उसके कारण स्कूल जाने की उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी संख्या महिलाओं की अगला है दो हज़ार ग्यारह की जनगणना फोटो उंगली के निशान और आँख की पुतली प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति के नमूने की आयु क्या है सॉरी न्यूनतम आयु क्या है किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन दो हज़ार ग्यारह की जनगणना में फोटो उंगली के निशान आंख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु पाँच वर्ष निर्धारित की गई थी यह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत संपन्न किए जाने वाले कार्यों का हिस्सा था ओके पाँच वर्ष था और इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है तो भारत में कृषि क्षेत्र अभी भी लगभग में साठ पैंसठ परसेंट के आबादी को रोजगार प्रदान करता है इसको जरूर याद रखना दो हज़ार एक दो का अनुसार पैंसठ परसेंट था एक सौ दस करोड़ आबादी का और आज भी लगभग में साठ परसेंट की आबादी को कृषि जो है पचास परसेंट ज़्यादा आबादी को भारत में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कृषि के क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी है जिस खेत में दो आदमी से काम चल सकता है वहाँ पर पाँच लोग मिलकर काम करते हैं क्योंकि बैठे बैठे क्या करेंगे अगला निमलिखित स्रोतों में से किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है तो सबसे अधिक अभी भी तापीय है तापीय थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं और तापीय में भी सबसे ज़्यादा किससे 50 परसेंट ज़्यादा इक्यावन परसेंट के आसपास कोयला से हमारे भारत का अभी भी जितना बिजली उत्पादन होता है उससे पचपन परसेंट के आसपास कोयला ही है यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ इसको कि भारतीय तापीय स्रोत से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त करता है भारत विद्युत मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सोलह अप्रैल दो तक भारत की स्थापित विद्युत क्षमता इतना था कितना है तीन लाख निन्यानवे हज़ार चार सौ संतानवे मेगावाट है जिसमें तापीय विद्युत फिफ्टी नाइन परसेंट है जल विद्युत ग्यारह परसेंट परमाणु का वन पॉइंट सेवन परसेंट है और अन्य गैर पारंपरिक जो स्रोत होते हैं रिनेबल एनर्जी के स्रोत होते हैं जो उनका सत्ताईस दशमलव पाँच परसेंट हिस्सा है इसको ज़रूर याद रखना इस आंकड़े को जरूर याद रखना क्यों क्योंकि आंकड़े आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम में अगला क्वेश्चन है कि उन्नीस सौ इक्यानवे की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था उदारीकरण निजीकरण और भूमंडलीकरण एल पी जी तीनों ही था तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओ कब स्थापित हुआ था तो नाइनटीन में स्थापित हुआ था ओ भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन सबसे अधिक योगदान देता है तो तृतीय सेक्टर जिसको सेवा सेक्टर भी कहा जाता है इसका योगदान सर्वाधिक है उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र का द्वितीय सेक्टर का होता है सबसे अंत में प्राइमरी सेक्टर का आता है जिसमें कृषि है ओके जी में इसका पैं तिरपन परसेंट योगदान था फिफ्टी थ्री परसेंट के है सेवा सेक्टर का और ट्वेंटी परसेंट से ज़्यादा है थर्टी परसेंट लगभग किसका है तो विनिर्माण का और अट्ठारह से उन्नीस परसेंट करीब में प्राथमिक सेक्टर का है निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत क्या है तो सेवा सेक्टर ही है ये आंसर हो जाएगा सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक असमानताएँ सापेक्ष निर्धनता क्या होता है तुलनात्मक रूप से गरीबी अब भारत में भी सापेक्ष निर्धनता हो सकती है और अमीर समीर देश में भी सापेक्ष निर्धनता हो सकती है सापेक्ष निर्धनता मुख्य रूप से विकसित देशों में निकाली जाती है जहाँ पर सबकी आई है मंथली दस लाख रुपये तो वहाँ पर किसी की आई है मान लो एक लाख रुपये पर मंथ तो वो सापेक्ष रूप से गरीबी हुआ रिलेटिव प्रॉवर्टी बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी ओके इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था चौंसठवीं बी पी एस सी दो हजार में पूछा है इसका आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद यूनुस ने दिया था कि गरीबी निवारण के लिए प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेता स... स्वयं सेवा समूह काम आ सकते हैं एस एच जी की बात की थी उन्होंने स्वयं सहायता समूह का विचार बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दिमाग की उपज थी जिन्होंने वर्ष उन्नीस में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की थी अगला है कि पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है तो तृतीय सेक्टर सेवा सेक्टर का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है उन्नीस सौ इक्यानवे के आर्थिक सुधार के बाद उन्नीस सौ इक्यानवे के आर्थिक सुधार के बाद लेकिन सेवा सेक्टर की एक सबसे बड़ी खराबी है कि इसमें निवेश बहुत सारे आते हैं लेकिन ये जॉब कम क्रिएट करता है अभी भी किस देश की किसी देश के प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जा सकती है कैसे तो राष्ट्र के आय को जनसंख्या से डिवाइड करने पर पता चलती है क्या है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है जनसंख्या से राष्ट्रीय आय से राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से इनमें से कोई नहीं तो राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों प्राप्त होगा पता होगा तभी तो हम प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे ना राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से डिवाइड कर दो तो निकल आएगा प्रति व्यक्ति आय भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है तो पी नरसिम्हा राव को कहा जाता है और उसमें वित्त मंत्री कौन थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे उन्नीस को इन्होंने ही पेश किया था नई आर्थिक नीति वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है क्या सम्मिलित नहीं है वैश्वीकरण में तो इसका आंसर दिया है डी सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश ये वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है ये सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार के जो पी होती है उसके शेयरों को बेचना इसका वैश्वीकरण से कोई लेना देना नहीं है इसका निजीकरण से लेना देना है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा बढ़ता जाएगा जो सेवा सेक्टर है उसका अंश बढ़ता जाएगा और प्राइमरी सेक्टर का अंश गिरता जाएगा यही विकसित देश की पहचान होती है अगले क्वेश्चन में चलते हैं एक नंबर पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यू के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में शामिल नहीं किया गया है ये पूछा है आपसे इसका आंसर क्या हो जाएगा यू का जो एच निकालती है यू उसमें शिशु मृत्यु दर को शामिल नहीं किया गया है शिशु मृत्यु दर को शामिल नहीं किया गया है ओके okay? प्रति व्यक्ति आय साक्षरता दर और जन्म पर जीवन प्रत्याशा ये तीन मुख्य रूप से आधार होते हैं यू एन डी पी के एच डी आई का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये सब आपको पता होने चाहिए जो आप मेन से आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें बहुत काम की चीज होती है ये एक सौ सत्तर से कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है तो शिक्षा और स्वास्थ्य आर्थिक अधिसंरचना में शामिल नहीं होता है अधिरस अधिसंरचना दो प्रकार की होती है भौतिक और सामाजिक भौतिक आधार आर्थिक अधिसरचना के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आते हैं जिसमें सड़क बिजली ऊर्जा जल वायु परिवहन दूरसंचार आदि आते हैं और सामाजिक में आते हैं स्वास्थ्य शिक्षा बीमा और आवास ओके इसलिए इसका आंसर क्या होगा सी आंसर हो जाएगा अगला है कि सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है संचार, दूर संचार को किस में भौतिक अधिसंरचना में शामिल किया गया है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में शामिल किया गया है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में शिक्षा स्वास्थ्य और आवास के क्षेत्र आते हैं देखो ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ पर लिखा है कि सामाजिक अधिसृजना के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा बीमा आदि आते हैं जिनका संबंध मानवीय कौशल के विकास से है आधारभूत संरचना इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास में इनकी आधारभूत जिसके बिना विकास संभव नहीं हो सकता भूमिका होती है अगला है सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है तो भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना इसका आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा विनिर्माण के लागत को कम करना होगा उत्पाद को प्रतियोगी बनाना भी हो जाएगा और यहाँ पर क्या है लाल फीताशाही को हटाना नौकर नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना इसमें सारा ही सही है इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा चौबीस चौंसठवीं बीपीएससी द्वारा अठारह क्वेश्चन है एक नंबर एक निम्न से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित प्रोत्साहिती नहीं है है ना प्रोत्साहिकी नहीं है इसका आंसर क्या हो जाएगा औद्योगिक विकास के लिए नहीं है ये पूछा है मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टार्टअप इंडिया डिजिटल इंडिया ये सारे तो इसके मदद करता है तो ये सारे तो होंगे ये इन सब में से कोई सा भी आंसर नहीं हो सकता पूछा है कि कौन सा चीज़ औद्योगिक विकास को रोकता है अगर सिंपल भाषा में इसको बोलूँ तो इसका आंसर इसीलिए ई हो जाएगा इसमें से कोई सा भी नहीं है ओके अगले क्वेश्चन चलते हैं पूरा पूरा का मतलब क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था इसको ए पी जे कलाम जी द्वारा प्रेस किया गया था पूरा के प्रारूप को पूरा का फुल फॉर्म है आगे आता है तो मैं पढ़ देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरिया शहरी सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराना ही पूरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था और ए पी जे कलाम जो है उन्हीं उन्होंने ही इस योजना को शुरू करवाया था 2020 तक उनका क्या था कि पूर्व राष्ट्रपति कलाम द्वारा विजन 2020 में पूरा मॉडल के अवधारणा का प्रस्ताव दिया गया था उनका था कि 2020 तक हमारे देश को विकसित हो जाना चाहिए अगला है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना को शुरू किया गया है तो वृद्धा पेंशन पे वृद्धावस्था पेंशन योजना स्वास्थ्य बीमा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा इन सब के लिए शुरू किया गया असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं आपके मोहल्ले में जो छोटा छोटा कार्य छोटा छोटा कारोबार चल रहा होगा मान लो किसी का टेंट हाउस है कोई हलवाई का बड़ा सा दुकान है उसमें जो लोग काम करते क्या उनको अस्थायी नौकरी होती है नहीं क्या उनको बीमा मिलता है नहीं क्या उनको स्वास्थ्य की सुविधाएँ मिलती हैं तो नहीं उसी को क्या कहा जाता है असंगठित क्षेत्र अगला क्वेश्चन पे चलते हैं एक सौ नंबर यहाँ पर दिया हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है तो ये तो योजना से सीधा सीधा होगा पोषण इसका अवयव नहीं था दो हजार दो दो हजार ईस्वी और दो हजार एक ईस्वी में शुरू किया गया था स्वास्थ्य शिक्षा पेयजल आवास सड़कें ग्रामीण विद्युतीकरण ये सब इसका लक्ष्य था कथन कारण दिया हुआ है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता मिली है जितनी आशा की जाती है अगला ही है केंद्रीयकृत ढांचे के कार्य कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा है इसका क्या आंसर हो जाएगा एक का आंसर दिया है सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है इस तरह के क्वेश्चन बी में अब नहीं आते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया द्वितीय चरण की बात कर रहा है सरसठवीं बी प्री दो का क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इसका आंसर ई दिया है इसने यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2020 में की गई जिसकी समयावधि दो हजार बीस से 2024-25 तक है इसके पहले चरण की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी जिसकी समयावधि चौदह से उन्नीस थी तो यहाँ पर क्या दिया दो हज़ार बीस इक्कीस से चौबीस पच्चीस दिया हुआ है क्या दो हजार बीस इक्कीस से चौबीस पच्चीस तो इसका आंसर सी होना चाहिए मेरे हिसाब से 2020 हज़ार बीस से 24-25 तक का पीरियड में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का द्वितीय चरण है ओके okay, एक बार रीचेक जरूर करना मेरे हिसाब से इसका सबसे सटीक आंसर सी ही होना चाहिए यहाँ पर लिख के भी इसने दिया है फिर भी ई ऑप्शन माना है आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है तो इसका ग्रामीण विकास का निर्धनता निवारण ही है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है बहुत पहले का प्रोग्राम है उन्नीस सौ ईस्वी का प्रोग्राम है ये भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत किया गया था दो अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास योजना का शुरुआत किया गया था इसको जरूर ध्यान रखना 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यह सड़सठवीं बी पी एस सी का क्वेश्चन तो कब शुरू किया गया था तो उन्नीस में शुरू किया गया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को उन्नीस तिरपन में तैयार किया गया था दो अक्टूबर उन्नीस तिरपन को इसका शुभारंभ किया गया था एक सौ उनचालीस अगर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रत्येक ग्राहक को साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन कितना प्राप्त होगा इसमें याद होगा पिछले साल ये दो हजार उन्नीस के आसपास ये आया था और इसमें तीन मिनिमम आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पेंशन मिलेगा लेकिन आपको अठारह से चालीस वर्ष की आयु में इस योजना में प्रवेश करना है हर महीना आपको कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे तो जब आपकी साठ वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी तो सरकार आपको मिनिमम तीन हजार रुपये का पेंशन देगा अगर अगर आप ज़्यादा रुपए जमा करोगे तो आपको ज़्यादा पेंशन मिलेगा 140 निम्न से से निम्न कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है तो मनरेगा का उद्देश्य इनमें से सारे ही हैं परिसंपत्तियों का निर्माण करना सूक्ष्म सिंचाई प्रोत्साहित करना जल प्रबंधन ग्रामीण आय को बढ़ाना सारा है भारत में सबसे अधिक गेहूँ उत्पादक राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है तो इसका आंसर हो जाएगा डी किसी उद्यम में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का ही समन्वित होता है उसी को क्या कहा जाता है ज्वाइंट एडवेंचर कहा जाता है है ना पीपीपी मॉडल भी कह दिया जाता है कभी कभी तो सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करती है किसी मॉडल के तहत भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं किसमें कृषि में अभी मैंने बताया था वो छिपी हुई बेरोजगारी होती है वहाँ पर प्रक्षण बेरोजगारी जिसको कहा जाता है भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है क्या शामिल नहीं है तो किसानों को मकान और ऋण शामिल नहीं है बाकी बिचौलियों की समाप्ति भू जोतों का एकत्रीकरण सहकारी कृषि ये तीनों भूमि सुधार के तहत शामिल था अगला है हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित के उपा उपलब्धता पर निर्भर है बीजों की उच्च पैदावार किस्म बिल्कुल सही है पर्याप्त सिंचाई सुविधा भी होनी चाहिए थी हरित क्रांति के लिए रासायनिक उर्वरक कीटनाशक इनमें से कोई नहीं तो मुख्य रूप से बीज था तो वो सिंचाई वगैरह भी थी यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन मुख्य रूप से क्या था बीज ही था ओके बीज था बीज मैंने लिख दिया बीज था है ना नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना होगा स्वामीनाथन जी का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने हरित क्रांति उन्नीस सौ छियासठ में एक पैकेज प्रोग्राम के रूप में शुरू किया जिसमें निम्न आदानों को सम्मिलित किया गया बीज की उच्च पैदावार किस्म उर्वरक कीटनाशक पर्याप्त सिंचाई सुविधा हरित क्रांति के लिए यद्यपि उपयुक्त चारों तत्व आवश्यक हैं तथापि मैक्सिको से आयातित उच्च उत्पादकता वाले बीज ने हरित क्रांति को लाने में अहम भूमिका निभाई थी विभाजन कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था तो जूट और रुई उद्योग जो है वो प्रभावित हुआ था जूट उत्पादन का मुख्य केंद्र कहाँ था सारा सारा बांग्लादेश में था और सारी मिले कहाँ थी जूट की तो भारत में थी तो इसलिए जूट उद्योग बड़ा ही प्रभावित हुआ था ओके देख रहे यहाँ पर है जूट उत्पादन का 80 परसेंट क्षेत्र चला गया पूर्वी पाकिस्तान में जबकि उसके अधिकांश मिले भारत में ही थी भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं तो कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग अभी भी काम करते हैं एक सौ अड़तालीस है भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है तो कपास का ही उद्योग भारत में सबसे प्राचीन है और सबसे पहले कपास किसने उगाया था हरप्पा के लोगों ने उपजाया था दुनिया में ओके okay, ये क्वेश्चन तो कर लिया हमने तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर में पाए जाते हैं तमिलनाडु में तिरसठवीं बी पी एस सी दो हर सत्रह का है सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में हैं कोयम्बटूर में लगभग नौ सौ उन्नीस सूती वस्त्र के मिले हैं जो तमिलनाडु के कुल मिले के चालीस परसेंट है और भारत का सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ हैं तमिलनाडु में है उसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है मोड बैट जो अप्रैल दो हज़ार इक्कीस से कार्यान्वित होगा प्रत्याशापित करता है किसको तो एल के झा कमेटी उन्नीस सौ इक्यासी की स्तुति पर वर्ष उन्नीस सौ छियासी सतासी के बजट में मूल्यवर्धित कर भैट को एक के एक भैट को की एक संशोधित प्रणाली मोडवैट को लागू की गई थी मोडिवाइड वैल्यू एडेड टैक्स भैट का ही उन्नत संस्करण है मोडवैट विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन अर्थात औद्योगिक उत्पादन पर आरोपित की गई है किस पर विनिर्माण क्षेत्र के जो उद्योग धंधे से उत्पादन होते हैं उस पर जिसमें उत्पादकों द्वारा मध्यवर्ती आगत पर चुकाए गए कर को घटाने की व्यवस्था की गई है मॉडवैट के पश्चात बजट दो हज़ार से दो हज़ार एक में सैन वेट इसी के अगली कड़ी में करी में एक अप्रैल दो हज़ार पाँच से वेट लागू किया गया अब सरकार ने एक जुलाई दो हज़ार सत्रह से जी एस टी लागू कर दिया है और इन सब को पुड़िया बना के फेंक दिया कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वो कौन सा है तो भरार ह्रास मूलक उद्योग होता है कपास का ओके कपास उद्योग में प्रयुक्त आगत कपास जूट ऊन आदि भार ह्रास मूलक प्रकृति को होते हैं ओके ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक सौ बावन नंबर यहाँ पर कथन दिया है कि गत सदी के अस्सी के दशकांत तक भारतीय उद्योग ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योग की संरचना स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया है कितना बड़ा सा स्टेटमेंट देखा बेकार के सारे क्वेश्चन इस तरह के आप पूछे भी नहीं जाते उन्नीस सौ का है इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई थी इसका आंसर सी है इसको मत ध्यान देना अगले क्वेश्चन पर चलते हैं इसमें हमारे लिए कोई नए डेटा भी नहीं है भारत में कोर उद्योग क्या है तो उपरोक्त सभी कोर आठ उद्योगों को माना गया है इन आठों को ना उनके उत्पादन के हिसाब से जरूर याद रखना किस में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उसके हिसाब से क्योंकि कई बार क्या होता है ना यू भी इन कोर उद्योग से उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये विद्युत देखो कोर उद्योग कौन कौन से आठ हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोयला कच्चा तेल प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम परिशोधन और उसके पास उर्वरक स्टील सीमेंट और विद्युत ये आठ कोर उद्योग हैं भारत सरकार के भारत में इनको आठ कोर उद्योग के रूप में माना जाता है है ना ये प्रभावित होते हैं तो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है सबको पता है अप्रत्यक्ष कर ही है मुख्य रूप से दो हजार बीस दो हजार बाईस दो हजार तेईस में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग पाँच दशमलव पाँच परसेंट और पाँच दशमलव दो परसेंट रहा है ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं पूरा पूरी पढ़ देता हूँ कि प्रश्न में विकल्प बीस सही था अप्रत्यक्ष कर सही था लेकिन आज बदल गया है जबकि बजट अनुमान दो हज़ार बाईस तेईस के अनुसार वर्ष दो हज़ार बाईस तेईस में राजस्व का प्रधान स्रोत प्रत्यक्ष कर है डायरेक्ट टैक्स जो होता है जो हम लोग देते हैं वही टैक्स होता है प्रत्यक्ष कर सबसे बड़ा स्रोत सरकार की आय का दूसरा नंबर पर है अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर क्या होता है कि कराघात और करापात अलग अलग, अलग लोगों पर होता है और प्रत्यक्ष कर क्या होता है जिससे कर मांगा गया है उसी को कर जमा करना है और इनडायरेक्ट टैक्सेज में क्या होता है कि आप दूध खरीदने जाओगे तो आपसे कर वसूल लिया जाएगा अगला है कि निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट सत्रह अठारह के अभीष्ट उद्देश्यों में समृद्ध नहीं था इसका आंसर दिया है सी भारत को शिक्षित करना समृद्ध नहीं था यह करंट अफेयर का उस समय क्वेश्चन है नहीं याद रखना है भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया वी वी आई क्वेश्चन तो दो में मिला दिया गया और एक ही बजट मिला दिया अलग किया गया था एक बर्थ समिति के सुझाव पर आज़ादी से पहले एक बर्थ समिति जरूर याद रखना एक बर्थ समिति इसी के सुझाव पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1939 या फोर्टी के आसपास ज़रूर याद रखना इसको देख लेना एक बार एक सौ संतावन ने भारत में राज्य सरकारों के लिए राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है तो बिक्री कर ही है उन्नीस के हिसाब से था वर्तमान में क्या है जीएसटी है वर्तमान में जीएसटी एस विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है सबसे ज्यादा खर्च किस में किया है तो डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा खर्च किया है केंद्र सरकार ने ओके अगले क्वेश्चन पर चले हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है तो भूमि राजस्व केंद्रीय सरकार का कर नहीं है उपयुक्त विकल्प आयकर सीमा शुल्क उत्पाद उत्पादकुल ये तीनों सेंटर का है बाकी भूमि राजस्व तो किसका था केंद्र सरकार का राज्य सरकार का कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है एक तो सौ साठ का आंसर क्या हो जाएगा बी केंद्रीय उत्पाद शुल्क निम्न से कौन से दो परोक्ष कर हैं तो बिक्री कर व उत्पादन शुल्क परोक्ष कर हैं डायरेक्ट टैक्सेस है जिसको बोला जाता है है ना उपरोक्त विकल्प में दिए गए आय कर संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स हैं जब सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया परोक्ष मतलब इन जो इनडायरेक्टली लगते हैं उसकी बात हो रहा है उल्टा मैंने बोल दिया था बिक्री कर उत्पादन शुल्क जो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेज होता है है ना हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मुझसे और डायरेक्ट टैक्सेज में क्या सब आते हैं जो संपत्ति कर होता है या जो आप टैक्स भरते हो ना खुद से वही होता है डायरेक्ट टैक्सेज और जो आपसे अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है कपड़ा पर गाड़ी पर है ना वो सब क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्सेज में आता है एक सौ बासठ निम्खित प्रत्यक्ष करों से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है तो निगम कर निगम कर से सबसे ज़्यादा सरकार कमाती है प्रश्नकाल में विकल्प ए सही था देखो आज फिर बदल गया है जो कि बजट अनुमान दो हज़ार बाईस कर अनुसार सरकार की कुल आय का अंतर्गत डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं प्रत्यक्ष कर में सर्वाधिक हिस्सेदारी निगम कर की बहत्तर हज़ार करोड़ है उसके बाद आयकर का सत्तर हज़ार करोड़ की है ओके तो आज भी वही है निगम कर ही है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भारत में वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए ये सत्तर सड़सठवीं विवेसीय क्वेश्चन है वित्त आयोग सांवैधिक निकाय है संविधान के अनुसार दो के तहत वित्त आयोग स्थापित किया जाएगा वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार होती हैं पहला वित्त आयोग उन्नीस सौ में स्थापित किया गया था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इसका आंसर आंसर हो जाएगा दो और तीन सही है दो और तीन इसका सही था क्या पूछा है कौन से सही हैं ये पूछा है दो और तीन इसके सही हैं बाकी ये पहला और देखो सांविधिक जब लिखा हुआ है तो 280 आर्टिकल कैसे हो सकता है दूसरा सही है तो पहला कैसे हो सकता है संवैधानिक होता है ना जिसका आर्टिकल लिखा होता है सांविधिक का मतलब होता है जिसको एक्ट के तहत बनाया गया है संविधान में जिसका जिक्र नहीं होता है उन्नीस सौ इक्यावन ईस्वी में पहला बनाया गया था वित्त आयोग के सी नियोगी जी उसके पहले अध्यक्ष थे और के सी नियोगी जी के बारे में यू पी पी सी एस ने दो हज़ार बीस में पूछ लिया है एक सौ चौंसठ नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है तो ब्याज दर जो है वो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है बाकी करारोपण सार्वजनिक ऋण सार्वजनिक व्यय ये सब राजकोषीय नीति के भाग हैं बारहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो उस समय बना होगा इसलिए पूछा है प्रोफेसर डी टी लकरवाला डी सी रंगराजन डॉक्टर सी रंगराजन सॉरी दिग्विजय सिंह श्री के सी पंत इसका आंसर क्या हो जाएगा सी रंगराजन जी जो थे वो बारहवें वित्त आयोग के

उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड वगैरह जो होते हैं उसको प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है आपके पास भी होगा क्रेडिट डेबिट आर्ट ए कार्ड वगैरह की बात हो रही है 8 अक्टूबर उन्नीस सौ इक्यानवे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 11 परसेंट से बढ़ाकर कितना कर दिया था बारह दशमलव जीरो परसेंट कर दिया था उस समय की बात है हमें क्या याद रखना है बिल्कुल नहीं याद रखना है ओके और अभी का क्या स्थिति है चार मई 2022 को जारी मौद्रिक नीति में बैंक दर मात्र चार दशमलव छः पाँच परसेंट है और एम एस एफ चार दशमलव छः पाँच परसेंट ही है रेपो चार दशमलव चार जीरो परसेंट है और अस्थाई जमा सुविधा चार दशमलव एक पाँच परसेंट क्या इसको याद रखना है बिल्कुल नहीं याद रखना है ये ज़रूर याद रखना साढ़े चार परसेंट के आसपास सारे बने हुए हैं आर द्वारा घोषित रोकर संचय अनुपात की वर्तमान दर क्या है तो नौ के आसपास है उन्नीस का लिखा हुआ है ऊपर देख ही रहे हो रोकर घोषित अनुपात निम्नित कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है तो मुद्रा की मात्रा जो है वो आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है किसका निवेश बैंक का उदाहरण है जीवन बीमा निगम एल की बात कर रहा है भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है तो सहकारी उधार ढांचा का एक अंश है भूमि विकास बैंक एक नंबर पर चलते हैं भारतीय मुद्रा छापा जाता है तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है भारतीय मुद्रा उसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा है कि करेंसी प्रेस नोट नासिक महाराष्ट्र दस बीस पचास सौ दो सौ पाँच सौ दो हज़ार के नोट छापता है और उनकी पूर्ति करता है करेंसी प्रेस नोट नासिक के अतिरिक्त बैंक नोट प्रोस देवास मध्य प्रदेश साहबनी पश्चिम बंगाल मैसूर कर्नाटक भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड में भी भारतीय मुद्रा छापी जाती है इन सब जगहों पर भारतीय मुद्रा छापी जाती है एक सौ तो चौहत्तर के सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है तो मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण करना पैसे जो बाजार में आ रहे हैं कैश फ्लो उसी का नियंत्रण और इसी को कम करना ज़्यादा करना यही होता है मौद्रिक नीति का मुख्य काम इससे मुद्रा स्फीति को नियंत्रित किया जाता है डैश की सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दर का वि नियंत्रण आधारित है तो नरसिम्हन कमेटी के सिफारिश पर विनियम जो वि नियंत्रण जो है बैंकों का उसको आधारित बनाया गया है उन्हीं के आयोग की सिफारिश पर बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए थे उन्नीस सौ इक्यानवे में नरसिम्हन कमेटी बनी थी एस एल आर सी आर आर इन सब में जो कमी की गई है बैंक दर देखा आपने उन्नीस सौ इक्यानवे में कितनी थी बारह परसेंट और आज कितनी है साढ़े चार परसेंट के आसपास तो उस नरसिम्हन कमेटी ने ही सिफारिश दी थी कि इस सबको ख़त्म करो कम करो भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्त मानक कितना है तो आठ परसेंट अगले क्वेश्चन में चलते हैं और दो हज़ार उन्नीस में पूंजी पर्याप्त अनुपात नौ परसेंट करने का निर्णय ने लिया गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंक के नाम से पुकारा जाता है वर्गीकृत है किस आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही होता है रूरल डेवलपमेंट जो रूरल गाँव में बैंक होते हैं वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के तहत ही आता है नाबार्ड उधार देता है किसको तो ये बैंकों को उधार देता है कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को उधार देता है नाबार्ड नाबार्ड कभी भी सामान्य पब्लिक को पैसा नहीं देता है ये किसको देती है तो ये बैंकों को पैसे देती है नाबार्ड और नाबार्ड जो बैंकों को देगी तो बैंक कस कर को देंगे तो हम लोगों को देती है एक नंबर है एक सौ उनासी नंबर कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है कृषि के लिए पुनर्वित्त पुनर्वित्त का मतलब क्या होता है इस बैंक ने किसी और को वित्त दिया और उस बैंक ने सामान्य लोगों को वित्त दिया पैसा दिया तो उसी को पुनर्वित्त के लिए बैंक कहा जाता है तो इसके लिए कौन सा है तो नाबार्ड ही है बी हो जाएगा दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का होता है जैसे अमेरिका का डॉलर दुर्लभ मुद्रा है झट से भाग जाती है वेअर नेसेसिटी इंडेक्स इस बार ही पूछा था सड़सठवीं बी पी में और ये क्या है तो ये भारत सरकार का ना इकोनॉमिक सर्वे जो आया था उसी में इसका जिक्र किया गया था बेयर नेसेसिटी इंडेक्स की आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के साथ आया है बी एन आई सभी राज्यों के द्वारा दो अठारह के लिए ही बनाया गया बी एन आई छब्बीस संकेतकों पर आधारित है बी एन आई में छह आयाम होते हैं इसके क्या था इसका आंसर एक और तीन सही था छब्बी उनतीस जनवरी दो को वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक समीक्षा दो हज़ार इक्कीस बीस गया इसी में थाली इकोनॉमिक्स की जो बात की गई उसी का मतलब था बी इस आर्थिक समीक्षा में ग्रामीण शहरी अखिल भारतीय स्तर पर बुनियादी आवश्यकता सूचकांक इसी को बी कहा गया है कि रूप की रूपरेखा तैयार की गई बी एन आई आयाम जैसे जल स्वच्छता आवास माइक्रो पर्यावरण अन्य सुविधाओं पर छब्बीस संकेतकों का मूल्यांकन करता है बी को भारत पेयजल स्वच्छता स्वास्थ्य और आवासीय स्तर पर सिक्सटी बी और छिहत्तर में एन एस ओ से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए दो हज़ार बारह एवं दो हज़ार अठारह हेतु राज्यों के लिए तैयार किया गया था भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था तो प्रथम के दौरान ही घट गया था और प्रथम का क्या नाम था हेराड डोमर मॉडल जो था प्रथम तो वही था और इसमें कृषि पर जोर दिया गया था दूसरा था महालिनोविस मॉडल जिस पर उद्योग पर जोर दिया गया था पंचवर्षीय योजना ज़रूर पढ़ के जाना छोड़ के बिल्कुल मत जाना एक क्वेश्चन जरूर आता है वहाँ से भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है औद्योगिक वित्त का तो नाबार्ड जो है ये कृषि के लिए फंडिंग करता है उद्योगों के लिए नहीं करता है भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है तो सब सबका माए बाप कौन होता है तो आर ही होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है तो नाबार्ड अभी मैंने बताया अप्रत्यक्ष रूप से ये बैंकों को ऋण देती है बैंक फिर आपको ऋण देती है इसलिए अप्रत्यक्ष स्रोत है ये वैसे ई दिया है यहाँ पर आंसर क्यों दिया है ई आगे मैं पढ़ देता हूँ विकल्प विकल्पगत सभी संस्थाएं प्रत्यक्ष वित्त के स्रोत हैं कैसे भाई हालांकि नाबार्ड द्वारा नागरिकों को प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध नहीं करवाया जाता है लेकिन फूड पार्क सहकारी बैंक आदि को प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराते हैं अन्य संस्थाएं नागरिकों से लेकर छोटे लघु तथा बड़े उद्यम को प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराती है मेरे हिसाब से इसका आंसर नाबार्ड होना चाहिए था वैसे इसका आंसर ई दिया है भारत नोट निगम प्रणाली आधारित है किस पर तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है मतलब 200 करोड़ 400 करोड़ के आसपास का जब तक गोल्ड रिजर्व और विदेशी मुद्रा नहीं होगा आरबीआई के पास आरबीआई क्या करेगी पैसा नहीं छापेगी वही है देखो 200 करोड़ रुपए के बराबर निश्चित की गई है 115 करोड़ रुपए का सोना होना चाहिए आर के पास और बाकी जितने पचासी करोड़ बचे उसके करेंसी होनी चाहिए विदेशी मुद्रा में हाल ही में डीजल की, की कीमतें बढ़ाई गई हैं उस समय क्वेश्चन है हमें नहीं पढ़ना है भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने मदद की तो एग्जिम बैंकों के द्वारा एग्जिम बैंक को क्या कहा जाता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक कहा जाता है एक जनवरी उन्नीस की इसकी शुरुआत हुई थी एग्जिम बैंक की जरूर याद रखना ई का पूर्ण रूप क्या है इसका पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स इसका पूर्ण रूप है और दो का बीपीएससी क्वेश्चन है जरूर ध्यान रखना एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स एक सौ नब्बे नंबर पर पहुँच गए हम लोग वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना इतना सारा पढ़ना कोई आसान काम नहीं होता है बंधुओं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में की गई तो आपको पता है कब की गई है इसकी स्थापना 1982 के आसपास की गई है तो उसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो छठी चल रही थी 80 से पचासी वाली तो इसका आंसर हो जाएगा सी मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है देखो मिलेनियम विकास एस कब से चल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो ये दो हजार है, पंद्रह से दो हज़ार तीस के लिए चल रहा है इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ही चल रहा था गोल तो दो अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर इसमें शामिल नहीं किया गया था मिलेनियम वाले में संयुक्त द्वारा पेश किया गया था दो हज़ार ईस्वी इस में इसको अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा पूछेगा आपको एसडीजी से क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से साप्टा का पूर्ण रूप क्या है तो साप्टा का पूर्ण रूप है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट सात दिसंबर उन्नीस सौ का अस्तित्व में आया था दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार समझौता एक सौ तिरानवे है कि भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है किससे तो संयुक्त राज्य के अमेरिकी डॉलर से भी ब्रिटिश पाउंड से भी कुछ चयनित तो मुद्राओं से भी इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सारे से एपेक का पूर्ण रूप क्या है और ऊपर वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना क्योंकि अभी मुद्रा की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर रही है इसलिए पूछ सकता है आपसे एपेक का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1989 की इसकी स्थापना हुई थी न्यूजीलैंड से कनाडा तक के विस्तृत एपेक के विश्व की बड़ी विस्तारों उन्मुखी अर्थव्यवस्था वाले इक्कीस राष्ट्रों का सदस्य है और भारत इसका सदस्य नहीं है दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता साप्टा का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था तो साप्टा सात दिसंबर उन्नीस को शुरू किया गया था बहुत सारे लोग होंगे जिनके जन्म से पहले निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है तो सार्क का सदस्य इनमें से इसमें से इस दो यहाँ पढ़ देता हूँ उन्नीस सौ गठित किया गया था भारत पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल मालदीव भूटान बांग्लादेश ये सब इसके सदस्य हैं और इनमें से चीन भी नहीं है सदस्य मालदीव भी नहीं है मालदीव तो है चीन नहीं है इसका आंसर ए होना चाहिए था अफगानिस्तान तेरहवें शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र ने हिस्सा लिया था वर्तमान में सार्क के सदस्यों को संघ आठ हो गई है जबकि चीन और म्यांमार इसके सदस्य नहीं है देखो चीन और म्यांमार इसके सदस्य नहीं है बस यही था और कुछ नहीं सार्क और सब ये सब इरिलेवेंट हो गया है कभी नहीं पूछेगा आप जी से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ए अफगानिस्तान नहीं है भारत के अद्यतन निर्यात आयात व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को मनन कीजिए इसको इस क्वेश्चन से पहले एक बार ऊपर वाले को मैं करेक्ट करता हूँ देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना कि कौन सा इसका सदस्य नहीं है अफगानिस्तान इसका सदस्य है ऊपर मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पर मैंने पढ़ा नहीं था पूरा सार्क के बारे में शिखर सम्मेलन अफगानिस्तान को भी संगठन का सदस्य बनने का निर्णय सदस्य राष्ट्र द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया अफगानिस्तान दो से नई दिल्ली में आयोजित सार्क के तेरहवें शिखर सम्मेलन सदस्य राष्ट्र के रूप में हिस्सा लिया था वर्तमान में सार्क सदस्य देशों की संख्या आठ हो गई है चीन और म्यांमार इसका सदस्य नहीं है अतः ए और बी दोनों ही सही होगा सदस्य कौन कौन है भारत पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल बांग्लादेश मालदीव भूटान और अफगानिस्तान ओके ध्यान रखना है इसको अगला है कि भारत के अद्यतन निर्यात आयात व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों तो का मनन कीजिए भारत के निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का 21 परसेंट तथा तो रत्न आभूषण का 17 परसेंट योगदान है देखो निर्यात आयात के जो डेटा होते हैं ये हर साल बदलते रहते हैं तो इसका पूरा मैं एक्सप्लेनेशन ही पढ़ देता हूँ बाकी स्टेटमेंट और क्या दिया हुआ है कि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका संयुक्त रूप से भारत भारतीय निर्यात में तिरपन और उसके आयात में चालीस हिस्सा रखते हैं लैटिन अमेरिका उपसहारी अफ्रीका और मध्य पूर्व के देश भारतीय निर्यात व्यापार के लिए सर्वाधिक संभाव्य बाजार प्रस्तुत करते हैं विश्व निर्यात में भारत की भागीदारी दो परसेंट से कुछ अधिक है यहाँ पर नवीन डेटा से दिया हुआ पढ़ देता हूँ भारत के निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का योगदान चार पाँच में बारह परसेंट था रतन का सोलह पॉइंट पाँच परसेंट था नया वाला डेटा नहीं दिया है पूरा ऊपर से नीचे कहीं इसलिए इसको छोड़ के आगे बढ़ते देखो सब जगह चार पाँच का ही डेटा दिया हुआ है हमारे किसी काम का नहीं है भारत के निर्यात में अभी मैं बता दूँ टॉप पर कौन सा चल रहा है इंजीनियरिंग गुड्स इंजीनियरिंग गुड्स जो होते हैं है ना अभियांत्रिकी के सामान वो टॉप पर चलते हैं भारत उसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है पेट्रोलियम का भी भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है पेट्रोलियम शोधन करके जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं फिर जम्स एंड ज्वेलरी आ जाता है तीसरे नंबर पर फिर कॉटन आ जाता है फिर फिशरीज और कृषि आइटम भी आ जाते हैं एक सौ निन्यानवे पहुँच गए हम लोग कि वर्ष दो हज़ार एक से दो हज़ार दो तक वर्ष दो हज़ार दो तीन के दौरान भारत के कृषि व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों मनन कीजिए हमें मनन करना ही नहीं है क्योंकि उस समय क्वेश्चन है ये हमें मनन नहीं करना हमारे काम की चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इक्कीस बाईस के अनुसार भारत से कुल कृषि निर्यात में सामुद्रिक उत्पाद का हिस्सा समुद्र से जो हम कृषि निर्यात के लिए उत्पाद लेते हैं उसका दो परसेंट है और दो हज़ार इक्कीस बाईस में एक दशमलव नौ परसेंट है बस इसी को हमें याद रखना है और कुछ नहीं ऊपर वाला क्वेश्चन इ है उन्नीस में निम्न से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश रहा हमें इसको नहीं पढ़ना है अभी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है यूएसए दूसरे नंबर पर है चीन तीसरे नंबर पर कौन सा देश है यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात इन तीनों का ही नाम रखना पहले नंबर पर यू है अमेरिका है पहले नंबर पर और अमेरिका के साथ हमारा व्यापार सरप्लस में रहता है दो हज़ार मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी तो इसका आंसर दिया है तीन परसेंट भारत बहुत बड़ा मांस का एक्सपोर्टर है इसको ज़रूर याद रखना अभी दुनिया में ढाई परसेंट के करीब में है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भारत सरकार ने बीस इक्कीस के बजट में एक नई योजना निर्वीक घोषित की है अर्थव्यवस्था का निम्न से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा तो निर्यात के लिए इस योजना को घोषित किया गया था निर्वीक योजना को अगला क्वेश्चन है दो नंबर पर चलते हैं वर्तमान देश ने ग्रहण किया है क्या चालू खाता की पूर्ण विनिमयता को ग्रहण किया है चालू खाता की पूर्ण विनिमयता को सी आंसर हो जाएगा और यहाँ पर पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उस समय क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष अठारह उन्नीस में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में है कितना है अठारह उन्नीस की बात कर रहा है हमें इसको नहीं याद रखना हमें सबसे लेटेस्ट वाला दो हज़ार बाईस को याद कर लेना है तेरह मई दो हजार बाईस को भारत का विदेशी मुद्रा इतना था इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हज़ार लाख है ना पाँच लाख पंचानवे हजार नौ सौ चौवन मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है नेम से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है तो ए डी बी एशिया डेवलपमेंट विश्व बैंक से इसका कोई लेना देना नहीं है बाकी तीनों ही विश्व बैंक के समूह के अंतर्गत ही आते हैं विश्व बैंक समूह का क्या नाम है आई बी आर डी नाम है एक्चुअली में उसके अंदर एक वर्ल्ड बैंक नाम की संस्था होती है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इसके अंदर ये देखो कौन कौन सी संस्थाएँ हैं आई डी ए है और आई एफ सी है आई सी एस आई डी है मीगा है ये पूछा था मीगा उत्तराखंड पी सी एस में भी कुछ दिन पहले ही और एडीबी की स्थापना कब हुई थी उन्नीस में एशिया डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला में है फिलीपींस की राजधानी डब्ल्यू अस्तित्व में कब आया है तो उन्नीस में आया है उससे पहले गैट के नाम से जाना जाता था उरुग्वे दौर के वार्ता के बाद स्थापना हुआ है इसका उन्नीस सौ पंचानवे है कि किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में दो बार अवमूल्यन किया गया तो उन्नीस सौ इसमें बहुत ही बड़ी विपत्ति आई थी दो बार अवमूल्यन करना पड़ा था हमें पैसे का दो है भारत के लिए किस देश के सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है तो जापान से सबसे ज़्यादा द्विपक्षीय सहायता आती थी उस समय ओके और अगला है कि पहली योजना प्रारंभ होती चौथी योजना का अंत तक अमेरिका का हिस्सा 45 परसेंट कुल विदेशी सहायता में सर्वाधिक था वर्तमान में भारतीय विदेशी सहायता लेने की तुलना में देता है भारत अब विदेशी सहायता लेता नहीं बल्कि देता है अर्थशास्त्र में सन उन्नीस का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था तो अमर्त्य सेन को मिला था दो नंबर पर चलते हैं रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था तो उन्नीस सौ में ही किया गया तो उसके बाद से हमें ऐसी कोई आर्थिक संकट की सामना नहीं करना पड़ा है दो हज़ार क्या है वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है तो अभी यू ही है और इसमें भी यू ही होगा अब कोई अगले पर चलते हैं ये क्या दिया हुआ है दो हज़ार बीस इक्कीस के हिसाब से आयात और निर्यात का हिस्सा दिया हुआ है अगला क्वेश्चन है भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितने हैं तो सात निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र हैं भारत में उन्नीस सौ पंचानवे तक तो भारत में कांडला मुंबई नोएडा फाल्टा कोची चेन्नई विशाखापटनम कुल मिलाकर सात थे एक नवंबर दो हज़ार ईस्वी से कांडला मुंबई कोचिन सूर्य निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र को सेज के अंदर में परिवर्तित कर दिया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको कहा जाता है उसमें परिवर्तित कर दिया गया निम्नलिखित में से पी आई ओ कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है तो यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ इसका आंसर दिया है सी केवल वन यानी कि इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं पीपुल इंडियन ओरिजन करके जो होता है पीपुल्स ऑफ इंडियन ओरिजन उनकी बात कर रहा है पी और कार्ड धारक जो होते हैं उनकी बात कर रहा है क्या होते हैं एक बार मैं फिर से इसका पहला स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से हैं जो विदेश में रहते हैं और वहीं पर अपना आवास रखते हैं लेकिन उनका कोई ओरिजिन था भारत में है ना दो का सी आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये भारत में कहीं भी अधिकार है इनको संपत्ति वगैरह खरीदने का पी आई कार्ड धारक को तो चौदह है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है तो विश्व व्यापार संगठन को भारत के सॉरी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है दो सौ पंद्रह पर चलते हैं दो सौ पचास तक जाना है हमें दो सौ पचपन तक जरूर आज अंत तक करेंगे और इस सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लोग इसको छोड़ के जाते हैं इसलिए फिर उनका स्कोर लटक जाता है पंचवर्षीय योजना कौन सी अवधि सत्य नहीं है तो पंचवर्षीय योजना की अवधि उन्नीस सौ छियासठ से इकहत्तर ये सत्य नहीं है चतुर्थ योजना की अवधि नाइनटीन सिक्सटी नाइन से चौहत्तर तक है छियासठ के आसपास तो योजना ब्रेक ले लिया था हमने क्योंकि पैंसठ तक हम दो 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 युद्ध लड़ चुके थे योजना आयोग है क्या है एक परामर्शदात्री संस्था है अब इसका नाम नीति आयोग हो गया है योजना आयोग का स्वरूप क्या है तो परामर्शदात्री संस्था है योजना आयोग का गठन कब हुआ था तो उन्नीस सौ पचास ईस्वी में गठन हो गया था योजना आयोग क्या है एक तो इसका आंसर हो जाएगा गैर संवैधानिक निकाय है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर होता है हमारे यहाँ समाजवादी और पूंजीवादी दोनों लक्षण पाए जाते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देता है किसको तो उस समय आया होगा ये रोजगार को बढ़ाने को प्राथमिकता प्राथमिकता देता था आठवीं पंचवर्षीय योजना उन्नीस सौ बिरानवे संतानवे में आया था पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है कौन तो राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होता था यही पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता था ये उस समय की बात है अब तो सब कुछ नीति आयोग करता है और पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया गया है पंद्रह वर्षीय और दस वर्षीय प्लान आता है पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है तो एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भारत की आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी तो बिरानवे से संतानवे थी अवधि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर पर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था हमें नहीं याद रखना है वैसे पाँच दशमलव छः परसेंट तक बढ़ाया गया था भारत में योजना अवकाश कब रहा है तो उन सौ छियासठ से उनहत्तर तक योजना अवकाश रहा है मतलब उस अवधि में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई भारत की नौवीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है तो संतानवे से दो हज़ार ईसवी है सातवीं पंचर योजना के अविकासीय व्यय में कितना है तो इसको नहीं पढ़ना है जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है तो जिला नियोजन पदाधिकारी ही होता है वी क्वेश्चन आज पूछ लेगा तो आपको दिक्कत आ सकती है जिला नियोजन विकास परिषद का प्रधान कौन होता है तो जिला नियोजन पदाधिकारी ही होता है आर्थिक नियोजन विषय है किसका तो संबरती सूची का है आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कर रहा है सम्बरती सूची राज्य भी इस पर कानून बना सकते हैं और केंद्र भी बना सकता है दो सौ तीस से हो गया दो सौ इकतीस पर चलते हैं हम लोग जल्दी से दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी अभी मैंने बताया था पीसी सी महालिनोविस ने और इसमें उद्योग धंधों को प्रधानता दिया गया था जो बड़े बड़े आप सरकारी कंपनियों देखते हो देख तो उन्हीं की स्थापना की गई थी इस समय पहली जो थी उसमें कृषि को प्रधानता दी गई थी हेराड डोमर मॉडल के आधार पर दसवीं योजना की अवधि क्या थी दसवीं पंचवर्षीय योजना थी दो से दो तक भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है तो उन्नीस सौ इक्कीस का वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है उन्नीस सौ इक्कीस से पहले भारत की जनसंख्या कम हो गई थी दस साल में है ना बहुत सारी जो आई थी बीमारी स्पेनिश फ्लू सब के वगैरह कम हो गई थी भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के रूप में जाना जाता है तो 1921 को जाना जाता है उन्नीस सौ इक्कीस को वी है जरूर याद रखना वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना पिछले सैंतालीस मिनट से हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ मैं भारत की ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है तो चौरानवे परसेंट है यहाँ पर लिखा हुआ नाइन्टी फोर परसेंट वर्ष दो हज़ार से दो हजार एक की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे था तो उड़ीसा साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे था और अभी अभी यहाँ पर अगर मैं पढ़ दूँ तो उपयुक्त विकल्पों में से महाराष्ट्र छिहत्तर परसेंट गुजरात सिक्सटी नाइन परसेंट और देखो ये उस समय क्या है अभी तो हमें बिहार में इकहत्तर परसेंट के आसपास है बिहार में इकसठ परसेंट साक्षरता है जो देश में न्यूनतम है अभी प्रसिंग विकल्पगत राज्यों में उड़ीसा की साक्षरता दर सेवेंटी टू पॉइंट नाइन परसेंट है अभी भी राष्ट्रीय औसत से बहुत थोड़ा ही कम है इसका उड़ीसा का जो कि बिहार का सिक्सटी ही है दो हज़ार ग्यारह के अनुसार जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर तिहत्तर परसेंट है कितना है सेवेंटी थ्री परसेंट है अपने देश की साक्षरता दर बिहार का कितना है इकसठ दशमलव आठ परसेंट आ उत्तर उड़ीसा कितना है बहत्तर दशमलव नौ परसेंट ही है तो पॉइंट वन परसेंट का मात्र उड़ीसा में डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा सुधार किया उड़ीसा ने जबकि हम नहीं कर पाए हम बिहार पिछड़ गए वर्षा दो हज़ार एक की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो महाराष्ट्र है इनमें से 2001 के अनुसार 2011 हज़ार ग्यारह के अनुसार नगरीय आबादी के आंकड़े निम्नलिखित हैं इधर हैं देख लेते हैं हम लोग सबसे टॉप नंबर पर कौन आता है महाराष्ट्र 45 परसेंट उत्तर प्रदेश 22 तमिलनाडु 48 केरल सैंतालीस देश का नगरीकरण इकतीस दशमलव एक परसेंट है जबकि न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश दस परसेंट बिहार ग्यारह और असम चौदह परसेंट है ये द्वारा ग्यारह के जनगणना का आंकड़ा है जरूर इसको ध्यान रखना बिहार दूसरे नंबर पर आता है न्यूनतम नगरीकरण में हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगर, नगरीकरण है पहाड़ी राज्य है तो वहाँ छोटे छोटे गाँव होते हैं वही उसके पर्यटन का मुख्य केंद्र है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है कितना परसेंट तो तैंतीस परसेंट अनिवार्य है उन्नीस सौ अट्ठासी के वन नीति के अनुसार ये बनाया गया है तैंतीस परसेंट का और नया वाला जो वन वनावरण का वन का आंकड़ा आया है उससे संबंधित वीडियो उपलब्ध है उसको जरूर करके जाना इस बार एक क्वेश्चन उससे गारंटेड आएगा आएगा तो फिर मुझे बता देना प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुना किस काम के लिए जाने जाते हैं चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं ये उत्तराखंड के थे सुंदरलाल बहुगुना जी राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है तो कहाँ पर है ये बंगलौर छोटा नागपुर देहरादून नागपुर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नागपुर में है पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है तो कलकत्ता है कलकत्ता है और यहाँ पर दो हज़ार ग्यारह के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है मुंबई है उसके बाद से दिल्ली है फिर कोलकाता है सबसे टॉप पर कौन आ गया है मुंबई आ गया है दूसरे नंबर पर दिल्ली फिर कोलकाता फिर मद्रास है फिर बैंगलौर है फिर हैदराबाद आता है भारत में अर्बन जनसंख्या कुल जनसंख्या प्रतिशत के बराबर है तो 25 परसेंट के बराबर है लगभग में और दो हज़ार ग्यारह के आंकड़ों के अनुसार इक्कीस परसेंट है देखो उस समय के बाद आंकड़े इसको जरूर इसको भूल जाना इकतीस के आसपास है अभी अर्बन जनसंख्या शहरी जनसंख्या की बात कर रहा है इकतीस के आसपास भारत की जनसंख्या अभी कितनी है तो क्या पूछा है उन्नीस सौ इक्यानवे जनरल के अनुसार भारत की जनसंख्या है कितना तो वो उसको छोड़ दो अभी है एक सौ इक्कीस करोड़ के आसपास अब तो एक सौ तीस करोड़ से ज़्यादा के हो गए हैं हम लोग ओके okay. कौन सा क्वेश्चन था एक क्वेश्चन छूट गया क्या कि इधर एक मिनट अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ दो का इसका आंसर डी आई डी उपयुक्त में से कोई नहीं और राष्ट्रीय जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या की 2001 से 2011 हज़ार ग्यारह में दस की वृद्धि दर सत्रह दशमलव सात परसेंट था नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या के औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है तो कमी का रुख दिखाती है भारत में जनसंख्या कम हो जाएगी कुछ दिनों बाद अभी तो बढ़ेगी लेकिन कम हो जाएगी नवीनतम जनोदय ग्यारह के अनुसार जनसंख्या में औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.64 परसेंट मात्र रह गई ये कोई ज़्यादा नहीं होती है उन्नीस से इक्यासी के तुलना में इक्यासी से इक्यानवे के बीच भारत जनसंख्या दशक आधार वृद्धि सीमांत रूप से घट गया है उस समय का क्वेश्चन है हमें क्या याद रखना है नहीं विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है तो चीन है अब तो हम टॉप कर जाएंगे अगले साल तक पहले नंबर पर आ जाएंगे दो है कि दो के दिसंबर दो के अनुसार विश्व के निम्न देशों में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है तो यू में सबसे ज़्यादा भारत की लोगों की आबादी है समझ रहे हो ना चौवालीस लाख के करीब में भारतीय रहते हैं अमेरिका में जनांकी के में लिंग अनुपात का संदर्भ किससे है तो प्रति हज़ार पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात को जनांकी कहा जाता है बिहार का कितना है नौ के आसपास ही है किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व तो है तो अभी इसमें से ऑप्शन में से आपको चुनना है तो पश्चिम बंगाल में है वैसे देश में सबसे ज़्यादा अपने बिहार में रहते हैं ग्यारह लोग रहते हैं भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो है तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल चौथा सबसे सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है उन्नीस सौ इक्यानवे जन्म के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्मदर कितनी थी हमें बिल्कुल याद नहीं रखना इसमें अगर नवीन आंकड़ा दिया होगा तो हम उसको पढ़ लेंगे नहीं दिया है दो हज़ार उन्नीस के हिसाब से भारत की जन्मदर उन्नीस दशमलव सात परसेंट है जबकि बिहार की कितनी है पच्चीस दशमलव आठ परसेंट बहुत ज़्यादा है दो सौ तिरपन है कि दो हज़ार ग्यारह के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत के रूप में दर्ज किया गया है मैं सठवीं बी पी एस सी दो हज़ार उन्नीस का क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस धार्मिक समूह में है तो जैन लोगों में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है पंचानवे परसेंट से ज़्यादा का इनमें साक्षरता का रेट है भारतीय जनगणना दो हज़ार ग्यारह के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है तो अपने राज्य की न्यूनतम है यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है बिहार की और आज का आखिरी क्वेश्चन है दो नंबर दो हज़ार ग्यारह की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है प्रतिशत के हिसाब से तो मिजोरम में सबसे अधिक आदिवासी लोग रहते हैं चौरानवे परसेंट है मिजोरम में जबकि लक्षद्वीप में चौरानवे पॉइंट आठ परसेंट है केंद्रशासित पूछता तो लक्षद्वीप मारते तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना तिरपन मिनट का वीडियो था और आज आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन कंप्लीट हो गया कॉन्ग्रेचुलेसन सभी लोगों को बार बार इसको पढ़ के जाना एक महीना पहले अभी एक महीना ज़्यादा है एग्ज़ाम का कंप्लीट हो गया है अब आपके पास है एक महीना में आप कितना एक्सकोर पढ़ पाते हो कितना नहीं कर पाते ओके थैंक यू सो मच